हाँ दोस्तों, कैसे हैं? आज मैं जैसे आपको बोला था कि इलेक्शन के समय आपको बताऊंगा कि कौन सा रिजल्ट कैसा रहा है, और जो अभी न्यूज आ रहा है उसके अनुसार निगेटिव न्यूज ही है। तो अब आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे देखिए, ये मैं बैंक निफ्टी का 13 दिसंबर का एक्सपायरी, 13 दिसंबर की एक्सपायरी है, और इसमें मैंने बैंक निफ्टी का ये टारगेट लेके आया हूँ। और इसमें यहाँ पे आपको देखिए, एक 26,000 का जो पुट है वो 106 रुपये के आसपास मिल रहा है। आप इसको एक बार इसको पोजीशन इसे पेपर ट्रेडिंग कीजिए, और 26,000 के पुट को 106, मैंने 2,000 रुपये आपको लगेगा। 13 दिसंबर का है, आपको 26,000 का पुट 106 पे मिल रहा है, और एट द मनी बोले 26,594 है, तो 26,500 का अगर आप ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 26,000 या 26,500, इसके बीच में आपको जो भी लगे पसंद आप लीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा ओपन एडिशन जो हो रहा है 26,000 पे हुआ, 3,46,000 का। अब इनका ये कहना है कि 26,000 के नीचे नहीं जाएगा, अगर नेगेटिव हुआ तो ये जाएगा, और नेगेटिव ही न्यूज है। आपको न्यूज भी दिखा देता हूँ, तो हो सकता है ये 26,000 एक बार आपको बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे जाते हुए देखे। तो अगर बहुत कम रिस्क टेकर हैं तो 26,000 का लें, और ज्यादा रिस्क टेकर हैं तो 26,500 का लें, जो कि 236 पे चल रहा है। आपको पुट पे पोजीशन बनानी है, और ये 13 दिसंबर की पोजीशन बनानी है। उसी तरह अगर मैं आप निफ्टी पे जाएं, निफ्टी क्या चल रहा है, तो निफ्टी पे पोजीशन देखेंगे क्या बनाने का है। तो निफ्टी स्ट्राइक मनी कितना है, 10,693। तो 10,693 पे जाएं आप, एट द मनी 10,650 पे देखें, तो यहाँ पे भी देखेंगे कि 10,500 पे 479, 10,500 पे बहुत अच्छा पोजीशन बन रहा है, और जिसकी वैल्यू है 95 रुपीज। तो अगर किसी को रिस्क लेना है तो 10,500 का पोजीशन बना सकते हैं, 10,693 है, तो 10,500 का पोजीशन बनाइए, पुट लीजिए, इसमें भी पुट लेना है जो कि 95 रुपीज पे मिल रहा है। अगर आप 10,600 का बनाना चाहें तो 124 रुपये पे मिल रहा है, ज्यादा रुपये का है। अगर आप 10,600 का बनाएं तो 141, बेहतर तो है 10,600 का बनाएं 124 रुपये का, 75 का लॉट होता है और 124 रुपये आपको लगाना है। मैं पुट पे पोजीशन बनाने के लिए इसलिए बता रहा हूँ, चलिए आपको भी वो न्यूज़ सुनाता हूँ जो मैंने देखा, तो लगा कि आपको भी अपडेट करना जरूरी है। और अगर ऐसा ही हुआ जो मैं आपको फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ कि निगेटिव न्यूज़ है, और इसलिए मैंने फर्स्ट डे से आपको 13 दिसंबर का पुट लेने के लिए बोला था, या 27 दिसंबर का पुट लीजिए, जिसको भी लेना है, लेकिन कल परसों में आपको एग्जिट भी कर जाना है। आपने अगर पुट की और कोई भी पोजीशन बनाई है तो उसको एक बार एग्जिट भी कर लेना है, आपको यहां से प्रॉफिट बुक करके निकल भी जाना है। आगे का पोजीशन आगे के लिए बता दिया जाएगा। ये 27 दिसंबर का ये है निफ्टी। निफ्टी एक ही होता है, इसमें कोई डेट नहीं होता, दिसंबर या जनवरी चलता है, और निफ्टी बैंक में डेट चलता है। तो आपको 10,500 का पुट लेना है जो कि चल रहा है 95 में, या 10,600 का लेना है जो कि 124 रुपये में चल रहा है। ये निफ्टी पुट पे है, और उसी तरह आपको बैंक निफ्टी के पुट पे भी लेना है। 26,000 अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया तो आपको बहुत पैसा इसमें फंसेगा नहीं, बहुत पैसा जाएगा नहीं। 26,000 का जो मिल रहा है वो 106 रुपये पे मिल रहा है, तो 106 × 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,000 रुपये के आसपास आता है आपको, और 26,500 का चल रहा है 236 रुपया। यहाँ पे आपको 5,600 रुपये, 6,000 रुपये के आसपास, 5,600, 5,500 के आसपास यहाँ लगेगा आपको। अब चलिए जो सट्टा बाजार क्या बोलता है, सट्टा बाजार को एक बार सुनते हैं। ये बाजीगर सामने नहीं आते, इसलिए हमारी अंडरकवर टीम ने बातचीत के लिए खुफिया कैमरे का सहारा लिया, और बातचीत हुई यहाँ के, गलत नहीं हुआ। अब बारी थी सट्टेबाजों से राजस्थान की हकीकत समझने की। कांग्रेस पार्टी जिसमें टिकट नहीं मिले थे तो उसमें 147 सीटें थी। अच्छा जी, 147 सीट कांग्रेस की ला रहे थे। अच्छा, जब उनको टिकट नहीं मिला था। हाँ, टिकटों का विकल्प नहीं हुआ था, यानी टिकट बटने से पहले तक सट्टेबाजों को पूरा भरोसा था कि राजस्थान में कांग्रेस करीब 147 सीट लाएगी। लेकिन टिकट बटने के बाद हालात काफी बदल गए। थोड़ी बातचीत बढ़ी तो सट्टेबाजों ने हमें चुनाव में सट्टेबाजी का ताजा भाव बताया। कितना पैसा? 70 पैसा। 70 पैसे आज का भाव? आज का भाव है। अच्छा, कांग्रेस के? अच्छा, और बीजेपी के लिए जो भाव है वो 1.5 रुपए का। 1.5 रुपए का? तो बीजेपी को आप ज्यादा क्यों दे रहे हैं?
सट्टेबाज ने बताया कि इस वक्त कांग्रेस का भाव कम है, यानी कांग्रेस के सट्टेबाजी का नियम कहता है कि जिसके भाव ज्यादा उसकी जीत की संभावना कम। मतलब यह कि सट्टेबाजों की भविष्यवाणी है उसके बाद अगर बनता है तो सचिन पायलट। यानी सट्टेबाजों का अनुमान है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे, जबकि सचिन पायलट इस रेस में दूसरे नंबर पर है। गाना में इस बार टीआरएस दोबारा सत्ता में वापसी करने वाली। आंकड़े बेशक मिलते जुलते थे, लेकिन हर सट्टेबाज की एक ही भविष्यवाणी थी। तो राजस्थान के आंकड़े बताने के बाद इन बाजीगरों ने दूसरे राज्यों के नतीजों के बारे में भी भविष्यवाणी की। फलौदी के सट्टेबाजों ने मध्य प्रदेश के जो आंकड़े बताए वो चौंकाने वाले थे। सट्टा बाजार का दावा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 119 से 121 सीट मिलने वाली, जबकि बीजेपी को 95 से 97 सीट मिलने का अनुमान है। यानी सट्टा बाजार मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार की भविष्यवाणी कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है, तो वहीं तेलंगाना में टीआरएस थे जिन पर पूरे देश की निगाहें। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि देश के तीन राज्यों यानी तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर इन बाजीगरों की क्या भविष्यवाणी है। शुरुआत तेलंगाना से करते हैं। फलौदी के बाजार में एक छोटे से कमरे में बैठे एक सट्टेबाज ने हमें पूरी गारंटी के साथ बताया कि तेलंगाना में इस बार टीआरएस दोबारा सत्ता में वापसी करने वाली। यानी फलौदी के सट्टा बाजार की माने तो तेलंगाना में कांग्रेस और टीडीपी को झटका लगने वाला है और सरकार बनने वाली है टीआरएस की, चाहे बहुत बड़े बहुमत से ना बने। सट्टा बाजार को पूरा यकीन है कि इस बार तेलंगाना में टीआरएस 59 से 61 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। अब बारी थी छत्तीसगढ़ की। सट्टे के सबसे बड़े बाजीगरों ने हमें छत्तीसगढ़ का क्या हाल बताया, सुनिए जरा। लोधी सट्टा बाजार के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की लड़ाई। सट्टा बाजार बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 41 से 43 सीट दे रहा है। सट्टा बाजार में दोनों का भाव बिल्कुल बराबर है, यानी सरकार बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की तस्वीर हमारे सामने, और अब बारी थी उस राज्य की जिसके आंकड़ों का हमें भी इंतजार था, यानी मध्य प्रदेश। इस सट्टेबाज ने हमें मध्य प्रदेश के जो आंकड़े बताए वो चौंकाने वाले थे। यही बात करें अगर हम मध्य प्रदेश की, तो हमने मध्य प्रदेश के आंकड़े मध्य प्रदेश में 95 आ रही है बीजेपी और 119 जीत कांग्रेस।
ये देखा आपने कि एमपी में भी बता रहे हैं कि कांग्रेस स्ट्रांग लीड कर रही है, राजस्थान में तो थी और छत्तीसगढ़ में बराबर की काटे जा रही है, तो ये बीजेपी के लिए एक अच्छा कॉल नहीं है। और ठीक है, इसको लोग जैसे भी देखें, मार्केट के लिए एक अच्छा कॉल लेंगे कह सकते हैं, अभी एक दो दिन के लिए सेंटिमेंट से, ज़्यादा नहीं, वापस मार्केट अपने डायरेक्शन को पकड़ लेगी। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक थोड़ा साइड वे चल के साइलेंट होके निगेटिव होके चले, तो आपको जिसको भी है यहाँ पे, आप जैसे आपको बताया कि 26,000 की पुट या 26,500 का पुट 13 दिसंबर का लेना है आपको बैंक निफ्टी का, और निफ्टी का लेना है तो 10,500 का पुट लेना है। अगर आपको कोई अलग से न्यूज मालूम है तो आप कॉल की ओर जा सकते हैं, लेकिन जो ये न्यूज है उस बेस पे जो मुझे समझ में आ रहा है कि पुट की ओर पोजीशन आपको बनाने चाहिए, पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, और मेरा कोई किसी भी इसमें जो आपको न्यूज बेस्ड में बता रहा हूँ मार्केट का क्या स्थिति है, इसमें मेरा कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं है कहाँ जाएगा मार्केट, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, बट जो न्यूज बताता है और जिसको लोग सटीक मानते हैं कि ऐसा न्यूज शायद सही हो, और फलोदी सट्टा बाजार माना जाता है मार्केट में, बहुत दिनों से है ये, आज से नहीं 50 साल से है, 40 साल से है फलोदी का सट्टा बाजार, तो अच्छे खासे दिनों से ये इन्वॉल्व रहता है मार्केट में, और इसकी एक्यूरेसी लेवल भी थोड़ी अच्छी मानी जाती है, 70+ 80+ है एक्यूरेसी लेवल, तो ठीक है इसी व्यू पे तो कल लगता है निगेटिव व्यू मार्केट रहेगा कल का भी, और कल आपको अर्निंग हो जाती है या तो आप साइलेंट बैठ सकते हैं, या तो आपको अगर मालूम है तो आप पोजिशन बना सकते हैं। फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें, और पेपर ट्रेडिंग करें, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के अलावा कुछ भी नहीं करें। ये वीडियो देखने के लिए